13वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 29 तारीख अच्छी नहीं रही। टीम को पहले तो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 15 रनों की हार का सामना करना पड़ा और फिर कप्तान श्रेयस अय्यर पर स्लो ओवर रेट के चलते 12 लाख रुपए का जुर्माना लग गया। इस सीजन में अय्यर दूसरे ऐसे कप्तान हैं जिन्हें स्लो ओवर रेट पर जुर्माना भरना पड़ा। इससे पहले आरसीबी के कप्तान विराट कोहली को किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ मैच में जुर्माना झेलना पड़ा था। अय्यर ने टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 164 रन बनाए थे। जॉनी बेयरस्टो ने 53, डेविड वार्नर ने 45 और केन विलियम्स ने 41 रनों की पारी खेली। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 147 रन ही बना सकी। अय्यर इस मैच में 21 गेंदों पर 17 रन ही बना सके। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने कोटे के 20 ओवर पूरे करने में निर्धारित समय से 23 मिनट ज़्यादा का समय लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए स्लो ओवर रेट का यह पहला मामला था। टीम को पॉइंट टेबल में भी अपनी टॉप पोजीशन से हाथ धोना पड़ा। इस हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स दूसरे पायदान पर फिसल गई और राजस्थान रॉयल्स टॉप पोजीशन पर आ गई है। दिल्ली कैपिटल्स का अगला मुकाबला शारजाह में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 23 अक्टूबर को होगा। आईपीएल प्रेस रिलीज के मुताबिक आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत यह उनका पहला स्लो ओवर रेट का मामला था तो अय्यर को 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। आईपीएल से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए आप हमारे पेज पे बने रहें और हमारे पेज को सब्सक्राइब करें।